खुशी का बहुत है क्योंकि ये जो मेरी उम्र में लोगों ने इतना किया नहीं है जो मैंने किया है, और मैं उसके लिए आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इतने यंग एज में मैं कर पाया हूँ। सो या पेंटिंग मैंने 6 साल से चालू किया है, आई स्टार्ट ऑन 6 years ऑफ एज। I mean family has given me a huge support, but I have not been inspired by anybody to paint. It has come from inside. I feel that it's a God's gift. कौन सा थॉट क्या? अभी देखो ये क्या है, अभी मैं आई कंसिडर माई सेल्फ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, डेली बेसिस पे नहीं है। मूड आया, ये पेंटिंग जो होते हैं मूड पे होते हैं, और एक बार मूड आया बनाया तो ही एक मास्टरपीस बन सकता है। थॉट क्या है, जो इनर जो थॉट्स है जो दिमाग में चल रहा है इतने दिन से चल रहा है, अभी एक दिन मूड आ गया बनाना है पेंटिंग, सो वो सब थॉट्स डाल दिए पेंटिंग में। हाँ, तो मैं पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करता हूँ, मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म बोलता हूँ, जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आता है। मैंने फिगरेटिव पेंटिंग्स भी किया है, मैंने पेंटिंग में टूल्स भी यूज़ किए हैं, मैंने नाइफ्स भी यूज़ किए हैं पेंटिंग्स में। आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग टू सोसाइटी, बट मुझे लगता है मेरे पेंटिंग्स, मैंने पेंटिंग सोसाइटी में कुछ चेंज लाने के लिए नहीं बनाया है, कुछ इशू को कुछ हेल्प करने के लिए कि इम्प्रूव करने के लिए नहीं बनाया है। मैं पेंटिंग्स अपने आप के लिए बनाता हूँ, मैं लोग के लिए नहीं बनाता हूँ, और जो मैं बनाता हूँ वो जो मुझे लोग को दिखाना है मैं वही बताता हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट है जो लाइक जैसे कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं ना, पब्लिक के डिमांड पे जो वो लोग को देखना है वो बनाते हैं, जो भी ट्रेंड में वो बनाते हैं, वो मुझे नहीं करना है। जो मुझे दिखाना है मैं वही दिखाऊंगा, मेरे वे में दिखाऊंगा। ये एग्जीबिशन के बाद क्या मन में आता है, नहीं आई मीन एग्जीबिशन इज आई मीन एक प्लेटफॉर्म है शोकेस करने का आर्ट के लिए। आई मीन इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, आई मीन डूइंग एन एग्जीबिशन इज अ स्मॉल थिंग, बट रिस्पॉन्स द फीडबैक विच पीपल गिव इट इज़ अ बिग थिंग। So I feel, I mean art is very good, but if you want to be happy, you should not have any expectations. Improvement बहुत हुआ है, transitioning process हुआ है। जब भी मैंने painting चालू किया तभी मैं spiritual paintings बहुत बनाता था, Lord Shiva पे बहुत था, ओम use बहुत करता था, और अभी एक transition हुआ है, एक process हुआ है, अभी मैं ऐसा type का painting कर रहा हूँ जो मुझे लगता नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। और अभी जो मेरा स्टाइल है पेंटिंग का उसमें बहुत ही एक चेंज आया है, सो इट हैज़ कम टू अ डिफरेंट लेवल। खुशी तो बहुत सारी है, इसकी एक कहानी है। देव हमारी लाइफ में खुशियाँ लेकर ही आया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि जब ये देव आया तो उसके बाद हम जीना सीख गए, और उसके बाद उसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। हमारा एक एनजीओ है नीना फाउंडेशन, और देव बहुत छोटा था तब से वॉल पे, ज़मीन पे, कपड़ों पे, हमारे हाथों पे, सभी जगह पे पेंटिंग करता था। और हमारी जैसे उससे बताया बहुत फ्रीडम मिला है उस, तो धवल रूपल मैं जो साथ में रहते हमें वो फ्रीडम दिया कि वो करे, बिकॉज यू नो चाइल्ड हम भी वैसे बड़े हुए हैं। और हमारा जो एनजीओ है नीना फाउंडेशन, उसके 12 साल से जो डेस्क कैलेंडर्स है वहाँ पर हम कोई व्हीलचेयर का या डिसेबल का हम नहीं करते हैं। देव के जो पॉजिटिव पेंटिंग्स है, जैसे उससे बताया स्पिरिचुअल पेंटिंग्स करता है, सोलफुल पेंटिंग्स करता है, ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेंट पेंटिंग्स करता है, वो हमने छापे। सो अननोइंगली देव has not only affected our lives in the house, but he has affected millions of people who have a disability. जो community हमारी है, और उसको क्योंकि आपने भी यहाँ पर जो देव के paintings देखे हैं, आपको देख कर एक खुशी महसूस होती है, एक खुशहाली महसूस होती है। This is his painting. His paintings have evolved, but जो हमारे डेस्क कैलेंडर्स में और जो हमारे एक्टिविटीज़ में जाते हैं, तो उस प्रकार से आई थिंक एट अ वेरी यंग एज ही हैज़ गिवन सो मच टू द वर्ल्ड।
तो सरप्राइज ही हुआ कि उसमें इतनी टैलेंट है और उसका जो कलर यूज़ करने का तरीका है, स्ट्रोक्स है, थॉट है कि इतने छोटे बच्चे में इतने कैसे वो जो डेप्थ रहती है कि ये उसको करना है, जैसे शिवलिंग है कि और कुछ भी उसने जो भी पेंटिंग्स निकाले, तो वो सोच के काफ़ी सरप्राइज हुआ था ये इतना छोटा बच्चा ये कैसे निकाल सकता है, तो काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, उसमें और आज काफ़ी काफ़ी ही बहुत ही इवॉल्व हुआ है, थॉट प्रोसेस तो उसकी काफ़ी चेंज हुई है, इज़ बिकम टू गुड इन स्ट्रोक्स यूजिंग कलर पैलेट्स एंड अ कॉन्सेप्ट। पर्सनल पसंद है, एक कॉर्नर में है एग्जैक्टली दैट कॉर्नर व्हिच आई पर्सनली लाइक, देयर इज लॉट ऑफ ही यूज लॉट ऑफ लाइफ इन द पेंटिंग एंड डिफरेंट कलर्स, और उसमें एक चेयर बनाया है और ये चेयर एम्प्टी है। ये चेयर एम्प्टी किस लिए है, उसके दिमाग में कुछ चलता होगा, दैट्स द माई फेवरेट पेंटिंग।